यम मा स्मृत्वा गाधा गाधा भवति। मैं वह हूं जिसका स्मरण करने से अथाह की था मिलती है, असीम की जानकारी मिलती है। यम मा स्मृत्वा पूत पूतो भवति। मैं वह शक्ति हूं जिसका स्मरण करने से अपवित्र जन्मों जन्मों का अपवित्र व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। यम्मा स्मृत्वा अव्रति व्रति भवति। मैं वह हूं जिसके स्मरण करने से व्रतहीन व्यक्ति के जीवन में भी कुछ व्रत, कुछ नियम, कुछ व्यवस्थाएं जुड़ जाती हैं। कुछ श्रृंखल व्यक्ति को मर्यादा में बंध कर सदकर चलना आ जाता है। यम्मा स्मृत्वा अश्रोत्रियो अश्रोत्रियः श्रोत्रिय भवति। मैं वह शक्ति हूं जिसका स्मरण करने से अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है, जिसका स्मरण करने के बाद जीवन का समस्त अंधकार दूर हो जाता है। परमात्मा जब ये घोषणा करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ईश्वर की स्मृति, उसका सिमरन, हमारे जीवन में वो घटना को अंजाम देता है कि जिसके कारण अथाह की था मिलने लगती है, असीम परमात्मा असीम है, अनंत है। हम सभी मनुष्य सीमाओं में बंधे हुए लोग, अल्पज्ञ लोग, छोटी दृष्टि रखने वाले लोग, छोटी बुद्धि रखने वाले लोग, इस छोटे से मनुष्य के अंदर असीम को समझने की शक्ति आती है। इसलिए कहा कि कुछ भी और जानने के लिए पागल मत बनो, उसे जानो जिसे जानने के बाद फिर कुछ और जानना बाकी नहीं होता। श्वेत केतु जब अपने पिता के पास गुरुकुल में पढ़ने के बाद लौटा तो ऋषिपुत्र के अंदर अहंकार था कि मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारे शास्त्र याद हो गए। तो पिता ने पूछ लिया कि पुत्र, तुम्हारे प्रणाम में भी अहंकार झांक रहा है, तुम्हारी विनम्रता में भी विनम्रता नहीं है, अकड़ दिखाई देती है, क्या पढ़ा तुमने? बोले, जो कुछ पढ़ सकता था, जो पढ़ने लायक था सब पढ़ लिया, जो समझने लायक था सब समझ लिया, शास्त्र के अक्षर ज्ञान से जहां तक पहुंचा जा सकता है मैं वहां पहुंचकर लौटा हूं। पिता ने कहा, तो क्या उसको भी जान लिया तुमने, जिसको जानने के बाद फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता? तुम उस जगह पहुंच गए हो जहां पहुंचने के बाद फिर कहीं और पहुंचना नहीं होता। क्या वो समझ आ गया कि जिसे पाने के बाद फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रहता? जहां इच्छाओं की तृप्ति हो जाती है, जहां संसार का सारा सौंदर्य एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तुम क्या उसको प्राप्त कर पाए, उसके बारे में जान पाए? जहां सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, क्या वो समाधान मिला? सुनते ही श्वेत केतु को लगा कि ये सब तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं, मेरे गुरु ने मुझे जो पढ़ाया वो मैंने पढ़ लिया। कहता है कि वो तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन क्या ऐसा कुछ होता है? पिता ने कहा कि बेटा, खाने के लिए जो ये बर्तन रखे हुए हैं,
इनको सबको लेकर आओ। तो मिट्टी के बर्तन थे, कटोरी भी, थाली भी, गिलास भी। बच्चा लेकर आया तो पिता पूछता है कि बताओ इनमें सब में मिट्टी बराबर है ना, मिट्टी से ही बने हैं, फिर भी इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? पुत्र कहता है कि व्यवहार चलाने के लिए नाम अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो सब मिट्टी के ही बने हुए। पिता ने कहा एक मिट्टी से ही सब कुछ बन गया, एक परमात्मा से सब कुछ बन गया, एक ने सब कुछ बना दिया, एक ने ही सबके नाम अलग अलग रख दिए, लेकिन नाम व्यवहार चलाने के लिए हैं, लेकिन सब में मिट्टी एक ही है, पंच तत्व वही हैं, लेकिन बनाने वाला भी दुनिया में एक ही है। उसको जानने के बाद फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रहेगा। और कहा कि वो शक्ति इतनी अद्भुत है कि उस शक्ति तक पहुंचने के लिए तुम्हें आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी में जिस तरह से नमक को घोल दिया जाए नमक दिखाई नहीं देता, ऐसी वो एक शक्ति है जो पूरे संसार के कण कण में इस तरह से व्याप्त हो गई है कि नहीं दिखाई देती, लेकिन है, उसका स्वाद लिया जा सकता है। लेकिन उसका स्वाद लेना चाहते हो तो इस जिह्वा से स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि इन इंद्रियों की पहुंच वहां तक नहीं है, ये थोड़ी दूर तक ही देखती हैं। हमारी आंखों के देखने की सीमाएं हैं, हमारे कानों के भी सुनने की सीमाएं हैं। कितनी तरह की ध्वनियां आपके पास से होकर गुजर रही हैं लेकिन आपको सुनाई नहीं देती, कितने लोगों के फोन की कॉल यहां से होकर गुजर रही है आपको नहीं पता लग रहा, कितनी रेडियो तरंगे यहां से होकर गुजर रही हैं, कितनी टेलीविजन के अंदर दृश्य और ध्वनि को प्रकट करने वाले तरंगे भी यहां से गुजर रही हैं आपके पास से, लेकिन उसके लिए यंत्र चाहिए तभी वो पकड़ी जा सकती हैं। कितनी तरह की ध्वनियां हैं, क्योंकि मनुष्य को सुनने के लिए 10 डेसिबल से नीचे की ध्वनि आए तो भी हमें सुनाई नहीं देती। ध्वनि को नापने की जो इकाई है वो डेसिबल है। जब पेड़ से पत्तियां टूटकर नीचे गिरती है ना, सरसराहट होकर नीचे आती हैं, वो ध्वनि 10 डेसिबल। टाइप रिकॉर्डर पर आप जो है जैसे उंगलियां चलाते हैं वो जो खड़खड़ की आवाज आती है वो 15 डेसिबल है। तो ये विषय ना बदल जाए, आपको बता रहे हैं कि हमारे तो सुनने की भी क्षमता अलग है, और जैसे ही हम लोग 100-125 डेसिबल से ऊपर कोई ध्वनि चले जाए, कोई पटाखा फट जाए, हमारे कान खराब हो जाए, कोई जेट आपके सामने से एकदम जो वार में यूज करते हैं ना गरजता हुआ निकल जाए, 150 डेसिबल की आवाज निकालता हुआ, कानों के पर्दे फट जाए, आपके सामने से कांच टूट के बिखर जाता है, तेजी से गरजता हुआ निकल जाए ना, थोड़े से आपके स्पीकर जो गाड़ियों में लगे होते हैं उसमें धम धम की आवाज आए तो आपकी खिड़कियां हिलने लगती हैं, आपके भी तो कानों में ऐसे पर्दे लगे हुए हैं, उन्हीं से तो टकरा करके ध्वनि तरंगे आपके अंदर जाती हैं। छोटे से कान के अंदर एक पतली सी हड्डी है, उसमें ऐसा मसाला रखा भगवान ने, वो बड़े काम की चीज है, और उस सब के पीछे एक छोटी सी नस है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, अद्भुत है बनाने वाला, लेकिन सीमाएं दी हैं हमारी कि इतनी ध्वनि इतना ही पकड़ पाओगे, इससे ज्यादा नहीं जा पाओगे। तो असीम को जानना इतना आसान नहीं है, अद्भुत है वो, उसे जानने के लिए आप कितनी कोशिश करें। तो उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहा, पुत्र मिल जाता है नमक जिस तरह से पानी में, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि आंखें नहीं देख पाएंगी, लेकिन फिर से उसे प्राप्त किया जा सकता है।
तो एक शक्ति इस दुनिया में सब जगह ऐसी फैली हुई है, आंखें नहीं पकड़ पाती, न कान सुन पाते, न हाथ उसको छू पाते, न त्वचा से उसका स्पर्श लिया जा सकता, जिह्वा से उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता। सारी दुनिया में सुगंध वही देता है, लेकिन फिर भी नाक से नहीं पहचान पाओगे कि यही है क्या। तो कहा कि क्या तुम उसको जान पाए, उसको समझ पाए, तुमने इतनी विद्या पढ़ी तो क्या वो सब जानकारी मिली तुम्हें। पुत्र शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि मैं नहीं जान पाया। तो कहा फिर लौट जाओ गुरु के पास। गुरु के पास गया, जाकर उसने कहा कि मैं इतना कुछ जानने की कोशिश करता रहा, थोड़ा कुछ जानकर इतना अहंकार आ गया, लेकिन जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो तो आपने मुझे बताया ही नहीं। गुरु ने कहा कि पुत्र, जितना शास्त्र के वाक्यों से समझाया जा सकता है, शास्त्र नक्शे हैं, इन नक्शों के माध्यम से खुद चलना होता है, चलकर पहुंचा जाता है। नक्शे पर बैठकर आप किसी मंजिल को नहीं पा सकते। हमने नक्शे दे दिए तुम्हें। बच्चे ने कहा फिर मेरी तो 24 साल की आयु हो गई, 8 साल की उम्र में आया था, 16 साल बीत गए, और मुझे लगता है मैं सब विद्याएं सीख आया, लेकिन अब तो मुझे लगता कुछ नहीं आता, तो आप ही बताओ क्या करूं। गुरु ने कहा कुछ नहीं करो, जो कुछ पढ़ा लिखा है ना सबको भूल जाओ एक बार, और अपनी खोपड़ी के अहंकार को गलाओ, और ये लोग गांव में 400 हैं, इनको लेकर जाओ और जंगल में चराते रहो, जब 1000 हो जाएंगे तो वापस आ जाना। अब इतना ज्ञानी हो जाने के बाद उसको पशु चराने का काम दे दिया जाए। पर अद्भुत लोग रहे हैं हमारे देश में, गुरु ने जैसे कहा वैसे मान लिया, और शिष्य भी ऐसे, जो कह दिया उसे पूरा करने के लिए चल पड़ा, अपनी जवानी दांव पर लगा रहा है। पहुंच गया जंगल में, गवों को चराता है, प्रकृति के बीच रहता है, हवाओं के झकोरे आते हैं, वसंत का मौसम है, सब तरफ फूल खिले हुए हैं, फूलों के बीच जाकर बैठा हुआ और सुगंध का आनंद लेता है, उड़ती हुई तितलियां, मंडराते हुए भौंरे, बोलती हुई कोयल, नाचते हुए मोर, उछलते हुए खरगोश, खरगोशों के साथ उछलता है, हिरणों के साथ दौड़ता है, गवों का दूध पीता है, वहां के फल फूल कंद मूल खाता है, और गाती हुई कोयल और पपीहे के साथ उसी तरह से गाना शुरू करता है, बहती हुई नदियों की धाराओं के साथ में कभी बहने लगता है, और उसे भूल गया कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, किसका बेटा हूं। आनंद में रहता है, शांति में रहता है। बरसात का मौसम आया, बौछार पड़ने लग गई, ऊपर से सावन बरस रहा है, और टिप टिप करते हुए पेड़ों से पत्तों से पानी जब नीचे टपकता है, और बांसों के झुरमुट से होकर हवा जब साए साए की आवाज निकालती है, और जब अनेक तरह के मेंढक और झिंगूर सांझ की वेला में अपनी आवाजें निकाल रहे हैं, ये भी उसी तरह से बैठे आवाज निकाले और आंखें बंद करे, तो जो झिंगूर की वीणा बजे उसी के साथ इसका ध्यान टिके, अपने भीतर की शांति से जुड़ गया, भीतर का सावन बरसने लग गया, अंदर अमृत झर रहा है, अपने आनंद में बैठा हुआ है। गवें छोड़ी हुई हैं जंगल में, घास चर रही हैं, वो भी उसके पास आकर के बैठ जाए, कभी बारिश में जाकर के दोनों भुजा फैला करके नाचता है, अंदर भी मन के अंदर भी बारिश चल रही है, रस भर रहा है, मैया बरस बरस रसवारी, तू बरसे मैं जी भर ना हूं, दोनों भुजा पसारी, नदी सरोवर सागर बरसे, लागी झरिया भारी, मेरे आंगन क्यों ना बरसे, मैं क्या बात बिगाड़ी, मेरे भीतर भी बरसो भगवान। आनंद में झूमता है, गाता है, बहुत आनंदित हो रहा है, ध्यान टिक जाए, चलते हुए का ध्यान, बैठे हुए का ध्यान। श्वेत केतु ने उसी तरह से वन में रहकर
हर मौसम के साथ, जब सर्दियां आ गई, जाड़े की वो नर्म नर्म प्यारी सी धूप जो हथेलियों में लाली ले आए, पूरा दिन धूप में बैठे आदमी, स्वर्णिम किरणें जैसे ही शरीर को छूती हैं, शरीर गर्माता है, सेहर आती हुई हवाएं, धूप में बैठा है तो वहीं बैठे बैठे उसको, लोगों को तो नींद आती है धूप में, सर्दियों की धूप हो ना तो नींद आने लगती है, लेकिन उनको नींद नहीं, उसका ध्यान लग जाए चेहरे पर नूर खिला हुआ परमात्मा का, ऐसे ध्यान लगते लगते ऐसी स्थिति आ गई उसकी समाधि लगने लग गई। समाधि लगी तो इतनी अद्भुत कि जैसे अंदर कोई नया मौसम आ गया हो, ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया के साज एक जगह आकर बजने लगे हों, इतने मधुर, सारे रंग खिल गए हों जैसे हजारों इंद्रधनुष खिल गए हों, लग रहा है कि जैसे आकाश से जमीन पर आता हुआ आनंद का फुवारा पूरे शरीर में प्रवेश करते हुए आनंदित कर रहा है, आनंद में भरा हुआ है। समाधि का आनंद लेते लेते हालत ये हो गई कि उसके जब आंख खुली तो आंख में आंसू, धन्यवाद कर रहा है भगवान, ऐसी भी चीज दुनिया में होती है, ये चखा हमने स्वाद, लेकिन ये जिसकी कृपा से हुआ पहला धन्यवाद तो अपने गुरु को करता हूं और जिसकी कृपा के कारण मैं यहां पहुंचा हूं, और दूसरा धन्यवाद करता हूं उस पिता को जिस पिता ने मुझे मेरे अहंकार को तोड़ा और कहा कि तू कुछ के पीछे नहीं, जो सब कुछ है उसके पीछे जा। मन में आया उनका धन्यवाद करना है, लेकिन गव में तो अभी गिनी ही नहीं हमने कितनी हुई है, कितने साल बीत गए, अब उसने गव में गिनी तो हजार हो गई थी, गव में हजार हो गई तो हाँक लेकर हाँक लिया गवों को, पहुंच गया गुरु के द्वार, जाकर बोला 400 दी थी हजार हो गई हैं, अब मैं आ गया हूं। गुरु ने देखा उसके चेहरे के नूर को, उसकी आंखों के सुरूर को, उसकी मस्तानी चाल और उसके बैठने से पता लग गया इस दुनिया का नहीं है, ये तो उस दुनिया का इंसान हो गया है, इसके अंदर तो परमात्मा खिल गया है, इसके अंदर तो समाधि खिली है। गुरु ने कहा बेटा हजार गुम्मे नहीं है, शिष्य कहता ठीक से तो गिनी है, बोले 1001 गुम्मे है, बोले एक कहां से आ गई, बोले तू भी तो गौ बन के आया है, तू भी गौ बन गया है, परमात्मा की गौ बन के आया है जिसमें 33 करोड़ देवता वास कर रहे हैं, तू वो बन के आया, और तुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, आज तो मेरा मन करता है कि मैं तुझे प्रणाम करूं क्योंकि तू उस ऊंचाई तक पहुंचा है। इसलिए पाने योग्य दुनिया में कुछ है तो परमात्मा का धाम, चलना है तो उसके दर पर। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना, ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।